वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। लैक्टिक एसिड बैसिलस एक प्रोबायोटिक मेडिसिन है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करके या बैक्टीरिया को मार के बीमारी को ठीक करता है। यह दवा मुख्यतः दस्त को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और यह सेचेट है तो स्पेशली बच्चों में प्रयोग में लाया जाता है। लैक्टिक एसिड बैसिलस जो पाउडर है आपको सेचेट फॉर्म में 1 ग्राम की पैकिंग मिल जाता है और यह सिंगल डोज मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह 150 मिलियन स्पोर्ट्स में आपको मार्केट मिल जाएगा। हालांकि जो दूसरी दवाइयाँ आपको मिलीग्राम में मिलती है, लेकिन यह जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है आपको मिलियन स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ में मिलेगा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि मुख्यतः दस्त को रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी बच्चे को दस्त हो गई हो, चाहे वो इन्फेक्शन होने के कारण हुई हो, किसी नॉर्मल कंडीशन के कारण हो, या कुछ खाने पीने से हो, या किसी एंटीबायोटिक दवा देने के कारण उसको दस्त लग गई हो, तो इन सभी कारणों में अगर दस्त लगे तो उस समय लैक्टिक एसिड बैसिलस जो सेचेट है, जो स्पोरलेक सेचेट है, बच्चे को दिया जाता है। इसके अलावा कई बार इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने पर या डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है इसमें इन्फ्लामेशन होने, मतलब मुँह से लगाकर एनस तक जो पूरा एरिया है उसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए और तो उस समय में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। एक स्पेशली जो इसका बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि कोई बच्चा है जो दूध से एलर्जिक है या जो काऊ मिल्क है, गाय का दूध है, उससे एलर्जिक है और दूध पीते है उसको उल्टी या दस्त लगना शुरू हो जाता है, तो उस समय अगर ये लैक्टिक एसिड बैसिलस पाउच सेचेट दिया जाए तो उस बच्चे को यह एलर्जी खत्म हो जाएगी और बहुत आराम से वो दूध पी पाएगा। और इसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों, तो यह जो सेचेट है आपको कई स्किन डिजीज़ में, कैंसर की कीमोथेरेपी अगर होती हो या इरिटेबल बॉल सिंड्रोम किसी बच्चे को हो, तो इन सभी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और यदि कोई बच्चा है जिसको ट्रेवलर्स डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, मतलब यात्रा के दौरान उसको दस्त लगने लगी हो, तो उस समय भी लैक्टिक एसिड बैसिलस सेचेट बच्चे को दिया जा सकता है। साथ ही कोई 1 साल से लगाकर 6 साल का बच्चा है, उसको लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, बच्चे को दी जाती है। दोस्तों, जो लैक्टिक एसिड बैसिलस मेडिसिन है, जो पाउच है, सेचेट है, इसको कई सारी बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। मैंने 10 से 12 बीमारी आपको बताई है और हो सकता है इन बीमारियों के अलावा भी कई सारी बीमारियों में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करें और बच्चे को दें। लैक्टिक एसिड बैसिलस 1 ग्राम के सेचेट पैकिंग में आता है और यह सिंगल डोज होता है और यह 0 से लगाकर 1 वर्ष तक के बच्चे को दिया जा सकता है। इसको किस तरह से लेना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये तो वैसे तो डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन क्या है, कितनी उसको दस्त लग रही है, कितना वो इन्फेक्टेड है, तो उसके अनुसार इसको दिया जाता है। और सामान्यतः जो दस्त लगती है उसमें एक सेचेट अगर बच्चे को दिया जाता है तो कॉमनली फर्क पड़ जाता है। फिर भी अगर फर्क नहीं पड़े तो दिन में 2 बार या दिन में 3 बार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसको 3 दिन से लगाकर 7 दिन तक भी दिया जा सकता है। और ये जो सेचेट है 1 ग्राम की जो पैकिंग आती है, जब भी इसको बच्चे को देते हैं तो इसको 15 ml पानी में या दूध में मिला के देते हैं, या कोई दूसरा बेवरेज जैसे जूस भी हो सकता है उसमें मिला के बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन एक विशेष तौर से ध्यान रखें, जब आप ये डिजोल्व करें तो पानी और जो दूध है ये गर्म नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर इस पर रहना चाहिए। तो ये इसका लेने का तरीका रहा किस तरह से लेते हैं। और यदि आप कोई एंटीबायोटिक दवा इसके साथ ले रहे हैं या किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उस समय एंटीबायोटिक दवा के बीच में और लैक्टिक एसिड बैसिलस सेचेट के बीच में एटलीस्ट आपको 2 आवर्स का, 2 घंटे का गैप रखना है, जिससे कि एक दूसरे से जो असर है उसको कम ज़्यादा नहीं कर सके। तो दोस्तों, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने लैक्टिक एसिड बैसिलस सेचेट के बारे में बताया, जो बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है।